फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं ग्रह सुख के बारे में। मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको ग्रह सुख की कामना है। ग्रह सुख से तात्पर्य है घर के मकान की कामना है, लेकिन अभी भी वे किराए के मकान में रह रहे हैं या किसी रिश्तेदार के घर रह रहे हैं या पीजी के रूप में रह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका एक घर का मकान बने, लेकिन बहुत से प्रयासों के बाद भी ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि इसके लिए आप क्या करें जिससे कि शीघ्र ही आप घर के मकान के मालिक बने। हमारी जो जन्म कुंडली होती है मित्रों, उसमें जो चौथा घर होता है, फोर्थ हाउस जिसको बोलते हैं, वह सुख का भाव होता है और उसी से विचार किया जाता है कि जातक की किस्मत में घर का मकान है या नहीं। यदि उसमें कोई पाप ग्रह हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अपने घर की प्राप्ति में बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, जातक को चाहिए कि वे अपने चौथे घर को स्ट्रांग करे जिससे कि शीघ्र ही उसके घर के मकान का योग बने। इसके लिए उसको अपनी कुंडली में यह देखना होगा कि उसकी कुंडली का चौथा घर का जो मालिक है वो कौन है। विभिन्न लग्नों में हर ग्रह का कोई भी ग्रह, जो 9 ग्रह में से कोई सा भी ग्रह चौथे घर का मालिक होता है, तो मैं आपको बताती हूँ विभिन्न लग्नों के आधार पे चौथे घर के मालिक का निर्णय आप कैसे करें और किस ग्रह को किसको स्ट्रांग करना है। आपको ये लग्न से ही विचार करना है, राशि से नहीं। जो आपकी लग्न कुंडली है, जहाँ ऊपर लिखा रहता है लग्न कुंडली या लग्न भाव, उस घर से आपको चौथे घर को गिनना है और उससे जो चौथा घर का जो स्वामी है उसको आपको स्ट्रांग करना है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ किस लग्न के लिए कौन से ग्रह को स्ट्रांग करना है। मेष लग्न वालों को चंद्रमा को स्ट्रांग करना चाहिए, वृष लग्न वालों को सूर्य को स्ट्रांग करना चाहिए, मिथुन लग्न वालों को बुध ग्रह को स्ट्रांग करना चाहिए, कर्क लग्न वालों को शुक्र ग्रह को स्ट्रांग करना चाहिए, सिंह लग्न वालों को मंगल, कन्या लग्न वालों को बृहस्पति, तुला लग्न वालों को शनि, वृश्चिक लग्न वालों को भी शनि, धनु लग्न वालों को बृहस्पति, मकर लग्न वालों को मंगल, कुंभ लग्न वालों को शुक्र और मीन लग्न वालों को बुध ग्रह को स्ट्रांग करना चाहिए। इससे उनको घर में घर के सुख की प्राप्ति उन्हें होगी। इसके अलावा चौथे घर में जो पाप ग्रह बैठा हो तो आपको उस ग्रह की शांति करनी चाहिए। पाप ग्रह से तात्पर्य है कि यदि चौथे घर में मंगल बैठा है और वो आपकी कुंडली में कारक भी नहीं है, मतलब आपके किसी शुभ स्थान का वो स्वामी नहीं है, अकारक है और अशुभ है आपके लिए, तो आपको मंगल संबंधी चीज़ों का दान मंगलवार को करना चाहिए, उससे भी आपको लाभ होगा। चौथे घर में यदि सूर्य बैठे हैं और वो कुंडली में कारक भी नहीं है तो आपको रविवार के दिन सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। चौथे घर में यदि राहु बैठा है या केतु है, राहु और केतु आपको मालूम ही होगा हमेशा आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। यदि राहु होगा तो केतु उसके जस्ट सामने होगा और यदि केतु होगा तो राहु सामने होगा। तो इस प्रकार से जो भी ग्रह बैठा हो उसके लिए आपको दान करना होगा। केतु का दान मंगलवार को किया जाता है, कुछ लोग गुरुवार को भी करते हैं, और इसका जो दान होता है राहु का शनिवार को किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बुधवार को भी करते हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त समय देखकर अपने जो नज़दीकी कोई भी आप एक विद्वान जो ज्योतिषी हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं, और मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं इंडिविजुअल अपनी कुंडली की जांच करवाकर। इससे आपको मैं बता पाऊंगी कि आपको किसका दान करना है और कौन से ग्रह को स्ट्रांग करना है जिससे कि आप किराए के मकान से निकल कर अपने ही घर के मालिक बने। तो आप ये अवश्य ही देखिए अपनी कुंडली में, और शीघ्र ही मेरी शुभकामना है कि आप अपने घर में प्रवेश करें। नए वर्ष के प्रवेश के साथ ही आपका जो घर के सुख का सपना है वो भी ईश्वर पूरा करे और शीघ्र ही आपको अपने घर की प्राप्ति हो। इसके अलावा आप एक भौतिक सुख संपदा के लिए शुक्र ग्रह के उपाय कर सकते हैं, और शुक्र ग्रह के लिए आपको फ्राइडे को आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि वे शीघ्र ही आपको घर के मकान दिलाएं। इसके अलावा आप कनक धारा जो यंत्र होता है आप उनकी पूजा करें। कनक धारा यंत्र एक बहुत ही चमत्कारी यंत्र है, इसकी विधि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। ये बहुत ही माता जी का बहुत चमत्कारी मंत्र है और इसको मैंने बहुत ही अनुभूत पाया है, प्रैक्टिकली देखा है कि इसके बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कार होते हैं। तो कनक धारा यंत्र को आप अवश्य ही अपने पूजा स्थान में स्थान दीजिए, इससे आपको अवश्य ही अपने घर की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अर्थात धन संपदा की भी प्राप्ति के योग माता जी बनाती हैं। इसके अलावा आप
मंगल देव के जो यंत्र हैं उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि मंगल भूमि का मुख्य रूप से कारक ग्रह होता है। तो मंगल के मंत्रों का जाप करने से और मंगल के व्रत करने से भी घर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप प्रातः जब भी जिस समय भी आप जगते हैं, जगते ही आप पृथ्वी माता को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाइए, और इससे देखिएगा आप कितना जल्दी आपके घर के मकान का योग बनता है। तो अपने पाप ग्रहों की शांति कराइए और शुभ ग्रहों को स्ट्रांग कीजिए, और शीघ्र ही आप अपने घर में प्रवेश कीजिए। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपको लगता है कोई सवाल आपका अधूरा रह गया है, कोई जिज्ञासा आपकी अधूरी रह गई है, तो कमेंट्स में पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन आप थोड़ा विचलित ना हो, यदि जवाब देने में थोड़ा देरी हो जाए तो आप ये ना समझें कि आपका जवाब नहीं दिया जा रहा है, आपको जवाब अवश्य ही दिया जाएगा, इसकी मैं 100% आपको अश्योर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और जय श्री राम।